अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। हम आपके लिए लाए हैं 5 राज्यों की विशेष खबरें। चंडीगढ़ दिल्ली रूट पर जल्द दौड़ेगी तेज ट्रेन। सुखना लेक का जल स्तर पहुंचा 1162 फुट के पार। जन आशीर्वाद यात्रा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब पीओ की लेने की बारी। हुड्डा ने कांग्रेस से अलग होने के लिए दिए संकेत, बोले कांग्रेस राह से भटक गई है। पंजाब में बारिश का कहर, 200 से ज्यादा गांव पानी में डूबे। SYL मुद्दे पर आमने सामने हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल। हिमाचल में भूस्खलन से गई 21 लोगों की जान, अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते हिमाचल के 5 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित। दिल्ली में भी गहराया बाढ़ का संकट, अलर्ट जारी। एम्स ने स्वीकार किया भीषण आग में हजारों मरीजों के ब्लड सैंपल जले। अब खबरें विस्तार से। अब चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच शताब्दी की जगह दौड़ाने के लिए नॉर्दर्न रेलवे को रेलवे बोर्ड से मिलने वाली मंजूरी का इंतजार है। फिलहाल हर गुरुवार को अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में तेजस के रैक को जोड़कर दिल्ली से अमृतसर के बीच चलाया जा रहा है। तेजस के रैक में सफर करने वाले यात्रियों की माने तो शताब्दी के पुराने कोच की तुलना में तेजस के कोच में सफर ज्यादा आरामदायक है और शताब्दी के किराए में तेजस में सफर का मजा दोगुना है। चंडीगढ़ शहर में बीते 2 दिन से हो रही बारिश से सुखना लेक का वाटर लेवल तकरीबन 1162 फुट को पार कर गया है। अगर रात में बारिश इसी प्रकार से हुई तो लेक का वाटर लेवल और तेजी से बढ़ सकता है। लेक का वाटर लेवल तकरीबन 1164 फुट पहुंचने की सूचना रेगुलेटरी एंड के गेट खोल दिए जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले साल 2018 में भी सूखना लेक के गेट खोल दिए गए थे। चंडीगढ़ और इसके आसपास लगातार हो रही भारी बारिश के बाद से जहां सिटी में पारा गिरा है, वहीं लेक का जल स्तर काफी बढ़ गया है। बीते 2 दिन से हो रही बारिश के बाद लेक का जल स्तर तकरीबन 3.5 फुट तक बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने से बौखलाए पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाक से अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात रविवार को पंचकुला के कालका में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह यात्रा काली माता के दर्शन के साथ शुरू हुई है, जो राज्य के 90 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। यात्रा 8 सितंबर को रोहतक में समाप्त होगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में महापरिवर्तन रैली में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार कुछ अच्छा करती है तो मैं उनका समर्थन करता हूं। मेरे कई सहयोगियों ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले का विरोध किया। हमारी पार्टी ने अपना रास्ता खो दिया है। यह वह कांग्रेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी। जब स्वाभिमान और देशभक्ति की बात आती है तो मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा। हुड्डा ने कहा कि मैं एक देशभक्त परिवार में पैदा हुआ हूं। जो लोग अनुच्छेद 370 का विरोध करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, वसूलों पर जहां आज आए वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा है तो जिंदा दिखाना जरूरी है। बाघा डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण सतलुज नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। रोपड़ हेडवर्क से 2,23,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि सिरसा नदी से 25,000 क्यूसिक के लगभग पानी आ रहा है। 1988 में आई बाढ़ के बाद इतना पानी देखा गया है कि हेडवर्क्स से 50,000 क्यूसिक पानी आने पर लोग केवल फ्लड घोषित कर दिया जाता है। सतलुज नदी के किनारों पर बनी झुंगियां उजड़ गई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। SYL नहर को लेकर पंजाब के नेताओं में फिर घमासान शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और
शीयद नेता सुखबीर सिंह बादल के बीच ट्वीट बार से पंजाब की सियासत गर्मा गई है। सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री को SYL पर होने वाली किसी बैठक में भाग ना लेने की सलाह दी तो कैप्टन को गुस्सा आ गया। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे सलाह ना दे। हिमाचल में रेड अलर्ट के बीच शनिवार रात और सोमवार दोपहर तक बारिश भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। प्रदेश में एक पर्यटक माँ बेटियों और दादा पोती समेत 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग बह गए, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। शिमला में 9 लोगों, सोलन में 5, चंबा में 3, कुल्लू में 2 और बिलासपुर सिरमौर जिलों में 1-1 की व्यक्ति की जान गई है। हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के कारण शिमला, चंबा, सोलन, सिरमौर और कुल्लू के सभी शैक्षणिक स्थानों में सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में शिमला, चंबा, सोलन, कुल्लू और सिरमौर के उपायुक्तों ने आदेश जारी कर दिए हैं। शिमला, सोलन, चंबा, कुल्लू और सिरमौर में सभी सरकारी, निजी और कॉन्वेंट स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इस साल की मानसूनी बारिश में दिल्ली में बाढ़ का संकट पहली बार गहराया है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से रविवार को दिन भर में छोड़े गए करीब 21 लाख क्यूसेक पानी का असर अगले 2 दिन में दिल्ली में दिखेगा। यमुना सोमवार को खतरे के निशान को पार कर सकती है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए दिल्ली में सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। यमुना के बाढ़ क्षेत्र को खाली करने का आदेश जारी हो गया है। भीषण आग में जहां एम्स को कई 100 करोड़ रुपए की क्षति हुई है, वहीं एम्स पहुंचने मरीजों को भी नुकसान के अलावा परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्लड सैंपल नष्ट हो चुके हैं, कई दर्जन चिकित्सीय शोध और प्रशासनिक कागजात भी खाक हो चुके हैं। जिस टीचिंग ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर आग लगी है, वहां वायरोलॉजी सहित करीब 12 देश की चुनिंदा प्रयोगशालाएं भी थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।